सारे भगवान यही कहते हैं, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। अगर अपना घर जान लिया होता तो घर घर में दर दर की ठोकरें खानी ना पड़ती चेतन तुझे, अपने चैतन्य महल में सिद्धालय धाम पहुंच जाता। क्या कहते हैं, इनकी पंक्तियों को श्रवण करिएगा आप लोग। इस जहां में कई घर बनाए तूने, इस दुनिया के अंदर एक स्थान भी, एक इतना सा भी क्षेत्र नहीं जहां तूने जन्म ना लिया हो। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा, जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। क्यों, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, कहानी मैंने इसलिए आप लोगों के बीच में रख दी है पहले, ताकि आप इस भजन को समझ सके। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी वो भगिनी बनी। भगिनी यानी बहन, कभी बहन कभी पत्नी, क्या हो रहा है। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी थी फिर तेरी वो भगिनी बनी, रिश्ते करते रहे कभी इस भव में तो कभी अगले भवों में, रिश्ते करते रहे हम भी छुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला ना ठिकाना मिला। क्यों, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे। क्या कहते हैं आचार्य आगे, बन के थल चर तो कवलों से खाया गया, मन के नभ चर तो जालो फसाया गया, नरक पशुओं के गम देख के ये सितम तुझको रोना पड़ा, तुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। अब भी समझ जा चेतन, इतना भटक भटक करके। एक कहानी किसी और की नहीं है, खुद की कहानी है। ऐसे तूने 18 रिश्ते कई बार बनाए होंगे, इस भव में नहीं, एक भव में नहीं तो अगले भवों में बनाए होंगे। कोई पहले माँ थी वो पत्नी बन गई, जो पुत्र था वही पिता बन गया, कई भवों में बदलते बदलते यही करता रहा। क्यों, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। अंतिम में क्या कहते हैं, इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी। क्या कह रहे आचार्य भगवान, यहाँ की तो कई वधुएं तूने वर लिया, जो वधुएं नहीं थी उनके प्रति भी तूने दृष्टि कुदृष्टि डाल करके उन्हें भी अपना बनाना चाहा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ता रानी न अब तक तेरे मन बसी, मुक्ता रानी न अब तक तेरे मन बसी, जिसने उसको वरा। किसको, मुक्ति रानी को, जिसने उसको वरा, इस जहां की धरा पर न आना पड़ा, जिसने उसको वरा, इस जहां की, इस जहां की, जिसने उसको वरा, इस जहां की धरा पर न आना पड़ा।
भूले कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे आना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। और कब तक आना जाना पड़ेगा चेतन, प्रश्न तेरे साथ में है, लेकर के जाना आज, कब तक आना जाना पड़ेगा प्रभु। अब तो मुझे कोई घर में नहीं जाना, बस निज ग्रह में समाहित होना है, अपने ही चेतन आत्म प्रदेशों में समाहित हो जाना है बस प्रभु। अब कोई घर नहीं बनाना, पर घर बनाना मतलब भटकना ही भटकना है।